आम पापड़ शायद ही कोई होगा जिसने ना खाया हो, लेकिन हमेशा बाहर का ही खाया होगा। क्या आपने कभी घर का बना हुआ आम पापड़ खाया है? घर के बना हुए आम पापड़ की बात ही कुछ और होती है। ये मार्केट के आम पापड़ से 100 गुना अच्छा बनता है, मतलब टेस्ट में भी, और पूरी तरह से हम इसे हाइजेनिक तरीके से बनाएंगे जिसे आपको ये खाने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से छोटे टुकड़ों में आम कटा हुआ ले लेंगे, क्योंकि हमें इसको पीसना होगा। तो इस तरह से आप आम का छिलका निकाल दें और इसकी गुठली भी निकाल दें, सिर्फ आपको आम का पल्प लेना है। तो टोटल यहाँ पे 1/2 kg मैंने आम का पल्प लिया है। पल्प को हम इस तरह से ब्लेंडिंग जार में डालकर पीस लेंगे। आपको इसमें दूध पानी कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ आम के पल्प को आपको ऐसे ही पीस लेना है। और यहाँ पे हमारा ये जो आम का पल्प है पीस के तैयार हो गया है। ये देखिए मैंगो प्योरी तैयार हो गई है पूरी तरह से। अभी से हम पकाना शुरू करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से तैयार हो गई है। आपको इसमें कोई भी टुकड़ा नहीं छोड़ना है आम का। इसे हम सीधा पैन में डाल देंगे। प्योरी डालने के साथ ही हम इसमें डाल देते हैं 1/2 कप चीनी। चीनी को मैंने घर में ही पीस लिया है। इस तरह से चीनी का पाउडर इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप अगर बारीक चीनी है तो चीनी भी डाल सकते हैं बिना पीसे। अब मैंने गैस को ऑन कर दिया है, मतलब पैन को पहले से गर्म नहीं रखना है जब हम इसमें प्योरी और ये पाउडर शुगर डाल देंगे। उसके बाद आप गैस को ऑन करके इसे तुरंत ही मिक्स कर दें अच्छे से। मिक्स करने के बाद हम इसे 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो आपको इसको लो फ्लेम पर ही पकाना है, धीरे धीरे पकाना है जिससे ये गाढ़ा हो जाए। फिर हम इसका आम का जो पापड़ है वो जमाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है, अब मैं इसे लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए पका लूँगी। तो आप देख सकते हैं ये पहले से थिक हो गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और चीनी तो इसमें बहुत पहले ही डिज़ोल्व हो गई थी। तो ये देखिए हमारी ये जो मैंगो प्योरी है तैयार हो गई है। अब हम इसमें डाल देते हैं लास्ट में 1/2 छोटा चम्मच जितना नींबू का रस। नींबू का रस डालने से क्या होगा, इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आएगा, मतलब खट्टा मीठा आएगा। लेकिन अगर आपने खट्टे आम लिए हैं, मतलब ज़्यादा खट्टे हैं, तो फिर आप इसमें नींबू का रस ना डालें, क्योंकि वो ऑलरेडी खट्टे ही आएगा उसका टेस्ट, मतलब खट्टा मीठा ही आएगा। तो आपको उसमें नींबू का रस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो मैंने आम लिया था वो बहुत ज़्यादा भी खट्टे नहीं थे, तो और आम पापड़ को मैं खट्टा मीठा बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें नींबू का रस डाल दिया। और इसको मिक्स करने के बाद गैस को ऑफ़ कर देंगे और इसे हम अब जमाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी प्योरी तैयार है। अब हम क्या करते हैं, इसको जमाने के लिए प्लेट को ग्रीस कर देंगे। तो मैंने इस पर थोड़ा सा घी डाल दिया है और इसको अच्छे से हम चिकना कर देंगे। घी की वजह से आम पापड़ और भी ज़्यादा शाइनी बनता है। तो प्लेट को अच्छे से ग्रीस करने के बाद जितने भी हमने ये प्योरी तैयार की है वो सारी इसमें डाल देंगे। तो फटाफट से करें ये प्रोसेस, क्योंकि ये जो आम का प्योरी है ये जमने लगता है, मतलब इतनी जल्दी नहीं जमता, लेकिन हाँ ये थिक होने लगता है। तो इसको हम इस तरह से सेट कर देंगे, प्लेट को रोटेट करते रहें और इसे इस तरह से इवनली स्प्रेड हो जाने दें। तो ये देखिए आपको स्पून वगैरह कुछ नहीं चलाना है, ये ऐसे ही स्प्रेड हो जाएगी। इसे हम 2 दिन के लिए धूप में रखेंगे सूखने के लिए। आप चाहें तो इसे पंखे में सुखा सकते हैं, उस केस में हो सकता है इसमें दिन ज़्यादा लगे, हो सकता है 3 दिन में सूखे। तो यहाँ पे मैंने इसे 2 दिन के लिए धूप में सुखा लिया है और आम पापड़ तैयार हो गया है। देखिए बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है, जम गया है ये। जब ये जम जाएगा तो आपको इस तरह का दिखाई देगा, लेकिन अगर आप इसको उंगली से टच करके देखेंगे तो आपको ये चिपचिपा ही लगेगा, क्योंकि आम पापड़ चिपचिपा ही होता है। तो इसे हम इस तरह से स्क्रैच करके पहले किनारों से हटा देते हैं, फिर हम इसको निकाल देंगे। तो ये देखिए पहले मैंने इसके किनारे निकाले, फिर हम इसको इस तरह से निकाल देते हैं। ये देखिए ये इजीली निकल जाता है, प्लेट को हमने ग्रीस किया था उसके वजह से ये आसानी से निकल गया है, ये देखिए। तो आम पापड़ आपको जितना मोटा रखना है, जितना पतला रखना है आप रख सकते हैं, प्लेट आप उसी साइज़ की लें। तो ये देखिए इसे हम कट कर लेते हैं। तो पहले मैं इसको किनारों से इस तरह से काट देती हूँ ताकि इसकी चौकोर शेप आ जाए और हम इसके जो एकदम चौकोर पीसेस होते हैं ना आम पापड़ के वो काट सकें। ये देखिए हमारा आम पापड़ एकदम परफेक्ट बना है, अच्छे से सूखा हुआ है ये, और मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना परफेक्ट बना है ये। तो अब हम इसको पीसेस में कट कर लेते हैं, जो पीसेस आपको चाहिए हो आप काट सकते हैं इसके। तो मुझे तो आम पापड़ इस तरह का ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा नहीं पसंद है, थोड़ा पतला ही पसंद है। तो मेरा आम पापड़ एकदम परफेक्ट बना है मेरे घर के हिसाब से। आप इसे अपनी चॉइस से बना सकते हैं मोटा या पतला। तो ये देखिए मैं आपको इसको एक पीस को उठा के दिखाती हूँ, एकदम परफेक्ट बना है ये देखिए, मार्केट से भी कहीं ज़्यादा अच्छा, और ये कितना ज़्यादा शाइनी बना है ये देखिए। तो इसी तरह से आम पापड़ को आप भी ज़रूर ट्राई करें, आपको ये खाने में बहुत अच्छा लगेगा। और आपने पूरी वीडियो में देखा इसे बनाना कितना आसान है। आई होप आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ के साथ आप इस पेज को जरूर फॉलो करें ताकि नई रेसिपीज के अपडेट आपसे मिस ना हो।